गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। इसमें पहले जानेंगे जो वर्ण क्या है। तो बच्चों, हमारे मुंह से छोटी सी छोटी जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि मतलब आवाज़ जो निकलती है, और उस आवाज़ के उस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसका और कोई खंड नहीं हो सकता। तो वह ध्वनि के जो लिखित रूप हैं वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे हम बोल करके देखते हैं, अ आ क ग च द ध न, इसी तरह से और हम पढ़ेंगे प। तो इनके बोलने से जो हमारे मुंह से आवाज या ध्वनि निकली है, इन ध्वनि के और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते हैं। यह ध्वनि ही अपने लिखित रूप, जैसे लिखित रूप है अ को ऐसे लिखते हैं, आ को ऐसे लिखते हैं, ई का लिखित रूप ये है, ख का लिखित रूप ये है, ब का लिखित रूप यह है, भ का लिखित रूप यह है। ये जो लिखित रूप हैं ध्वनि के, इसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात इसको हम ऐसे कहेंगे, जिन ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब पढ़ेंगे जो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण कौन कौन है? तो अ आ ई बड़ी उ बड़ाउ री ए ऐ ओ औ। ये कितने हुए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। ये हिंदी में ग्यारह स्वर वर्ण होते हैं। अब इसको हम ऐसे बोलेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ को बोलने में इसमें और कोई दूसरा वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अ का ही उच्चारण होता है। ई सिर्फ ई का ही उच्चारण होता है। ऊ सिर्फ ऊ का ही उच्चारण होता है। इसमें और किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसे हम स्वर कहेंगे। स्वर अ से लेकर के औ तक स्वर वर्ण हुए। अब हम आलोक आएंगे व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण कौन कौन है? क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालब्यश मूर्धंस दंस ह। ये क से लेकर के ह तक जो हैं ये 33 हैं, 33, और इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। ये क ख ग ख क वर्ग, च छ ज कु च वर्ग, ट ठ ड ढ न कु ट वर्ग, त थ द ध न कु त वर्ग, प फ ब भ म कु प वर्ग, य र ल व को अंतस्थ, और तालब स मूर्धन स दंस ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। ये क ख ग घ से लेकर के प फ ब भ म तक जितने हैं ये
25 है, इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ट ठ ड ढ में र ढ जो है यह न स्वर में आता है न व्यंजन में आता है, इसे अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। ये कोई भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आता है। अब हम व्यंजन वर्ण को कैसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, क जो बोलते हैं इसमें कर अ दोनों का उच्चारण होता है, ख खर अ दोनों का उच्चारण होता है, त तर अ दोनों का उच्चारण होता है, ब बर अ दोनों का उच्चारण होता है। तो इस टाइप इस तरह से क से लेके ह तक जितने वर्ण हैं सब में क्या है, स्वर वर्ण अ छिपा हुआ है। ह दिख रहा है लेकिन अ क्या है उसमें छिपा हुआ है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क में हलंत और अ मेल होकर क होगा। ठीक है, स में हलंत और अ स होगा। ये जो व्यंजन के नीचे जो दिए हैं इसको हम लोग हलंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ अन्य प्रमुख वर्ण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अंग और अह, अंग और अह जो है यह तो न स्वर है और न व्यंजन, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये दो हैं अयोगवाह, अंग और अह। अब है र और ढ, इसको मैंने समझा दिया है, जो ये जो है अतिरिक्त व्यंजन है, ये शब्द के प्रारंभ में नहीं आता। और उसके बाद है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। अक्ष में भी दो व्यंजन वर्ण है, त्र में भी दो व्यंजन वर्ण है, ज्ञ में भी दो व्यंजन वर्ण है, स्र में भी है। अर्थात इसको कहेंगे दो व्यंजन वर्ण के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब कौन कौन दो व्यंजन वर्ण हैं? क और मूर्धन्य स मिलकर के अक्ष बना है, अ सब में छिपा हुआ है, क मूर्धन्य स अ मिलके हो गया अक्ष, त र और अ मिलके हो गया त्र, ज य और अ मिलके हो गया ज्ञ, तालव्य स र और अ मिलके हो गया स्र। इस तरह से ये चारों संयुक्त व्यंजन जो हैं वो दो दो व्यंजन वर्ण से बने हुए हैं। अब हम लोग सीखेंगे वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला जो है यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं अ आ स्वर व्यंजन और क ख व्यंजन वर्ण। तो ये दोनों को मिला करके ये जितने हैं ये सबको क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये एक तरफ से जो लिखा हुआ है अ आ क ख, इसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों रहते हैं। इसको हम ऐसे कहेंगे, जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसका अभ्यास का सारा प्रश्न उत्तर मैसेज में भेज दी हूँ, आप उसे क्लास वर्क हिंदी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा और इस पाठ को वर्ण विचार को एक बार व्याकरण किताब से अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। धन्यवाद।